नमस्कार, मैं सतेंद्र कुमार सिंह स्वदेश वाणी के साथ आज विशेष मेहमान जुड़ रहे हैं। गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में 5 बार यहाँ के लोगों ने प्यार दिया इन्हें और 5 बार सांसद बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत सारे ऐसे कार्य किए जिसके कारण 5 बार इन्हें लोगों ने प्यार दिया, सांसद बनाया, लेकिन 6ठी बार किसी राजनीतिक साजिश के शिकार हुए जिसके कारण बहुत सारे ऐसे कार्य किए जिससे लोगों को खुशी मिली, लेकिन कई मुद्दे पर इन्हें आलोचना भी झेलना पड़ा। अब चूंकि जो घर का गार्जियन होता है वह कोई जरूरी नहीं है कि सभी को खुश रख सके, इसीलिए इन्हें भी उसी गार्जियन के रूप में कहीं कहीं पर आलोचनाएं सहनी पड़ी और कई बार इन्हें यह देखना पड़ गया कि आगे हम क्या रणनीति बना रहे। तो आज हम बात करेंगे पांडे जी से और यह बात जानना चाहेंगे कि कहां कहां इन्हें आलोचना सहना पड़ा और किन किन राजनीतिक क्षेत्र में कहां कहां इन्हें मुंह की खानी पड़ी। तो आइए बात करते हैं। सांसद जी हम लोग कहते हैं अभी भी, क्योंकि वो 5 बार सांसद रहे हैं तो स्वाभाविक सांसद मुंह से निकलेगा। सांसद जी आपका स्वागत है स्वदेश में। बहुत बहुत धन्यवाद। हम जानना चाहेंगे कि आपकी राजनीति जो शुरू हुई, तो जिस वक्त राजनीति भाजपा की आप शुरू कर रहे थे उसमें भाजपा का बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान में पैठ नहीं था और उसमें काफ़ी कम संख्या में सांसद भी हुआ करते थे, लेकिन पहली बार आप टिकट लेकर के आए और उसके बाद आप चुनाव में जीत गए, उसके बाद लगातार आप सांसद रहे। तो उस समय का थोड़ा मैंने हमें लगता है कि 2-3 मिनट में आप अपना अनुभव स्वदेश वाणी के साथ शेयर करें कि क्या क्या आपको अनुभव हुआ उस पल से। देखिए ऐसा है कि 96 में पहली बार सांसद बना और गिरिडीह का इतिहास रहा है कि यहाँ से कोई दोबारा सांसद नहीं बना। यहाँ की जनता, यहाँ के कार्यकर्ता, हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी के आशीर्वाद से इस क्षेत्र से 5 बार सफलता मिली और हमने राजनीतिक में मेरा उद्देश्य रहा आम जनता का सेवा करना, सेवा भावना से ही हमने कार्य को किया। जिस पर मैं लगा हुआ हूं कि उस काम को मैं पूरा करवाऊं, हालांकि अभी हम सक्षम नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी केंद्र में सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, तो हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि जो अधूरा कार्य है वो आम जनता के हित में उसको पूर्ण जरूर करवाया जाएगा। अच्छी बात है, बहुत बेहतर काम आप लोगों ने किया है, आपके माध्यम से हुआ है और यही वजह है कि आप लोकप्रिय भी रहे और गिरिडीह का इतिहास भी आपने बदल दिया, जो दोबारा कोई भी सांसद यहाँ नहीं हुआ, एक बार चुनाया दूसरे बार बदल गया। अब हमें आप ये बताइए कि इतनी लंबी सफर रही आपकी राजनीतिक जीवन में, तो कहीं आपको ऐसा हुआ कि विवादों में रहना पड़ा हो किसी मुद्दे को लेकर के? देखिए जब परिवार बड़ा होता है, भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व में बड़ी पार्टी है और हमारा पर्सनल किसी से कोई रिवेंज नहीं है, क्योंकि हमें कोई गलत काम करना नहीं है, ना हम कुछ आल जाल में रहते हैं। इसके बावजूद भी रास्ता में चलते रहेगा तो कहीं ना कहीं अंकड़ कंकड़ मिलते रहता है, थोड़ा सा एकाध सेकंड के लिए कठिनाई होती है, तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो ये कहना चाहेंगे। आपके साथ ढुल्लू महतो जो विधायक हैं बघमारा के, उनके साथ काफी विवाद चला है और हमें लगता है कि बहुत लंबा खींच गया, तो इस मामले में आप क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है कि वो हमारे दल के माननीय विधायक हैं, परिवार जब बड़ा रहता है, विवाद मेरा कोई पर्सनल कोई, मैं पहले भी कहा कि हमारा किसी से कोई रिवेंज नहीं है, कोई हमारा दावत किसी से नहीं है, चाहे किसी भी दल के कोई व्यक्ति हो। इसके लिए हम भगवान को धन्यवाद देते हैं कि किसी भी दल के कोई भी व्यक्ति से पूछा जाए कि रविंद्र पांडे से आपको कोई शिकायत है, तो शायद एक व्यक्ति भी आपको नहीं मिलेगा ये कहने वाला कि हमको IMP साहब से कोई शिकायत है। जहाँ तक सवाल है माननीय विधायक जी का, तो उनको हमारा चेहरा अच्छा नहीं लगता है,
या हमारा क्रियाकलाप अच्छा नहीं लगता, क्रियाकलाप अच्छा नहीं लगता है, तो उसका जवाब वही दे सकते हैं। हमारा उनसे कोई शिकायत नहीं है। राजनीतिक जीवन में बहुत अच्छा कर्म आपने किया, और जैसा आप बता रहे हैं कि हमारे तरफ से किसी का कोई हमने कष्ट नहीं पहुंचाया, और इसी क्रम में आपको भाजपा की तरफ से टुंडी से टिकट दी गई थी। जहाँ मैंने हमारा लड़का आपके लड़के को तो आपके लड़के को टुंडी से टिकट दे दी गई विधानसभा के लिए, और हमें लगता है कि काफी प्रयास भी किया गया, फिर भी सफलता नहीं मिली, इसमें आप क्या कारण, इसका क्या कारण आप मानते हैं? देखिए, कारण उसी टाइम में NRC लागू का बातचीत चलने लगा, CA लागू का बातचीत चलने लगा, और 12 दिन पहले टिकट विक्रम जी को दिया गया, मात्र 12 दिन पहले। और 12 दिन के कालखंड में जितना भी कार्यकर्ताओं के प्रयास से, और विक्रम जी ने भी काफी मेहनत किया, उसके प्रयास से लगभग 49,000 वोट आया, जो जब से विधानसभा का चुनाव हो रहा है टुंडी में, भारतीय जनता पार्टी को इतना वोट कभी नहीं आया, जो सबसे बड़ी सफलता है। हार जीत अलग बात है, हारने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी भी हार गए थे, सिटिंग CM हार गए, ये कोई बड़ा विषय नहीं है। और डायरेक्ट फाइट हुआ JMM के साथ, पोलराइजेशन हुआ माइनोरिटीज का, और उन लोगों के दिमाग में बात आया कि किसी न किसी रूप में BJP को हराना, तो और कम समय के चलते हमारे कोई राष्ट्रीय नेता का आगमन नहीं हुआ हमारे क्षेत्र में। अगर कोई बड़े नेता आते तो निश्चित रूप से ये सफलता मिलती, मैं आज भी कह रहा हूँ, तो ये कोई बड़ा विषय नहीं है। क्या बड़े नेताओं का कोई सहयोग नहीं मिला क्या उस? नहीं नहीं, कम समय के चलते कोई बड़े नेता जिस ढंग से आना चाहिए था नहीं, हालांकि प्रधानमंत्री जी आए थे धनबाद, तो एयरपोर्ट पर कार्यक्रम हुआ वहाँ पर और समाप्त हो गया। वहाँ से जो मैसेज जाना था आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा वो गया, तभी तो इतना वोट आया, कार्यकर्ता भी लगे और कुछ अपने दल के लोग भी चुनाव में निर्दलीय खड़ा हो गए, जिसके चलते भी हार का सामना करना पड़ा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।